Hey, what's up guys, we are back with a new video. तो guys, CMA Phone 1 को एक नया अपडेट यहाँ पे मिल चुका है जो रहने वाला है Nothing OS 2.6 September अपडेट। बेसिकली सितंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है इस अपडेट में और यहाँ पे कुछ कैमरा इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं। तो guys, फिर से Nothing ने यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा इस अपडेट रिलेटेड की दैट आपको पता चल जाए कि अपडेट आया है आपके फोन में। सिंपली चले जाना सेटिंग्स में, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और चले जाना सिस्टम में और यहाँ पे सिस्टम अपडेट में और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे टैप कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पे इस पे टैप करोगे ना, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा सिस्टम अपडेट अवेलेबल। और यहाँ पे देखिए कुछ तीन चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है जिसमें यहाँ पे देखिए न्यू फीचर्स के बारे में मेंशन किया है, कैमरा इंप्रूवमेंट्स के बारे में मेंशन किया, उसके बाद बग फिक्सेस के बारे में मेंशन किया है। उसके बाद अपडेट साइज देखने को मिल जा रहा है 47.39 MB। तो ये छोटा सा अपडेट है बट कैमरा इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। तो गाइस अपडेट को मैंने पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो गाइस जिसमें यहाँ पे देखिए अबाउट फोन में यहाँ पे देखिए वर्जन नंबर भी सेम ही देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर डिफरेंट रहेगा ऑब्वियसली, लास्ट में 1735 IND देखने को मिल रहा है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने मुझे यहाँ पे लगभग 5 to 10 मिनट्स लगे थे और ये अपडेट रिलीज हुआ था कुछ 2 दिनों पहले। आज की डेट यहाँ पे 20 September बट ये 18 September को शाम के समय में यहाँ पे रिलीज हुआ था। तो गाइस वीडियो थोड़ा सा हल्का सा लेट हो चुका है, आई नो। मैंने फोन को काफी देर तक काफी समय तक यहाँ पे यूज किया, उसके बाद यहाँ पे फोटोज वगैरह भी खींचे। तो गाइस सभी चीजें के बारे में आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू फीचर्स में उन्होंने बोला, योर CMF वॉच प्रो 2 कैन नाउ एक्सेस ChatGPT वॉइस वाया योर फोन। तो गाइस आप लोगों को पता होगा हमारे Nothing फोन्स में विजेट्स देखने मिलते हैं ChatGPT के, बट यहाँ पे एक नया फीचर लाया कि देख वॉच प्रो 2 में यहाँ पे डायरेक्टली वॉइस वाले जो कन्वर्सेशन होते हैं उसको एक्सेस कर पाओगे। जिनके पास यहाँ पे CMF वॉच प्रो 2 है जरूर ट्राई करके बताना आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं, बिकॉज मेरे पास वॉच प्रो 2 नहीं है, मैंने नहीं करी थी क्योंकि यार ऑलरेडी काफी फोन्स ले लिए हैं लाइक फोन 2 प्लस वगैरह। तो गाइस ले लूंगा कुछ दिनों में, बट स्टिल मैंने यहाँ पे एक यूजर से पूछा ये वाली चीज यहाँ पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है, पर उन्होंने बताया कि दैट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, इन फ्यूचर इस बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। उसके बाद सेकंडली यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया अपडेटेड टू द सितंबर सिक्योरिटी पैच। तो गाइस इसी पे चेकआउट कर लेते हैं, चलते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे अबाउट फोन में, उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे एंड्रॉइड वर्जन में और गाइस यहाँ पे देखिए 1 सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जा रहा है। तो गाइस नेक्स्ट है यहाँ पे कैमरा एनहांसमेंट, पोर्ट्रेट्स नाउ कैप्चर मोर डिटेल विद नेचुरल स्किन टोन्स। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट यहाँ पे फोटोज कैप्चर कर लिए हैं। तो गाइस कंपैरिजन एक्चुअली में हो जाएगा जिससे हम लोग को क्लियर पता चलेगा यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। वैसे मैं कहूँ तो गाइस हाँ सभी फोटोज में थोड़ा थोड़ा सा एक बोल सकते हो टोन शिफ्ट, कलर शिफ्ट या बोल सकते शार्पनेस बढ़ाया तो जरूर है, ओके ब्राइटनेस वगैरह। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज। तो गाइस यहाँ पे देखिए फर्स्ट फोटो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो गाइस ये 1x में खींची गई है और यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट वाली फोटो है जिसमें यहाँ पे देखिए काफी ब्राइट फोटो देखने को मिल रहा है फेस वगैरह कलर देखिए, और सेकंड वाली फोटो का अगर आप लोग देखोगे कंपैरिजन के लिए तो गाइस ये वाली आफ्टर अपडेट वाली फोटो है, काफी डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है जिसमें यहाँ पे देखिए जो सेकंड फोटो है ये नेचुरल टोन के काफी करीब जा रहा है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो किया है Nothing ने। सेकंड वाली फोटो का आप लोग देखोगे तो गाइस ये 2x पे कैप्चर की गई है, दोनों फोटो का आप लोग कंपेयर करोगे तो गाइस इसमें भी डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है, बट सेकंड वाली फोटो जो 2x वाली है थोड़ी सी बोल सकते हो पता नहीं ज्यादा शार्प नहीं है, बट स्टिल जो यहाँ पे जो टोन के बारे में मेंशन किया है नेचुरल टोन आना चाहिए तो गाइस एक्चुअली में आया है। और सेकंड उन्होंने मेंशन किया था क्लियर सेल्फीज इन एक्सट्रीमली डार्क एनवायरनमेंट्स, तो गाइस उसके लिए भी यहाँ पे मैंने सेल्फी डार्क एनवायरनमेंट में लेने की कोशिश की, वैसा सीनरी क्रिएट किया। तो गाइस यहाँ पे देखिए बिफोर अपडेट वाली फोटो कुछ इस तरह देखने को मिल जा रही है, जो यहाँ पे मैंने एक डोर बैकग्राउंड में रखा और यहाँ पे एक व्हाइट वॉल देखने मिल जा रही है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे दूसरे वाली फोटो से तो गाइस शाम के समय में फोटोज कैप्चर करने वाला था और डार्कर हो रहा था एनवायरनमेंट, स्टिल यहाँ पे जो सेकंड वाली फोटो है ये भी थोड़ा इंप्रूव होके आई है पहले से बेटर हुई है फॉर दी सेकंड पिक्चर। और इन दोनों फोटोज को कैप्चर करते हुए ना मैंने यहाँ पे नाइट मोड बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, इतना जरूर ध्यान रखना। अगर नाइट मोड यहाँ पे ऑन कर लेता ना तो गाइस ये क्या करता थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाने की जरूर कोशिश करता। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया इनहांस फोटो ब्राइटनेस इन इंडोर एंड नाइट सीन्स। तो गाइस उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया लाइट्स वगैरह बंद कर दी हॉल की और बाद में फोटोज कैप्चर किए। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये फोटो पे देखोगे तो गाइस लाइट काफी कम देखने मिल रही है बिफोर अपडेट और यहाँ पे डार्कर एनवायरमेंट देखने को मिल रहा है। सेकंड अगर आप लोग उसी का कंपेरिजन वाला फोटो देखोगे आफ्टर अपडेट वाला तो गाइस वहां पे भी देखिए ये फोटो एक्चुअली में बेटर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को कौन सा पसंद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता आफ्टर अपडेट वाला या बिफोर अपडेट वाला। वैसे यहाँ पे सेकंड फोटो भी यहाँ पे देखिए देखने मिल जा रहा है, पहला वाला 1x था, सेकंड ये है 2x वाला, जिसमें यहाँ पे देखिए दोनों को भी कंपेयर करोगे ना तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो गाइस शार्पनेस तो गायब ही हो गई है पता नहीं क्यों, बट स्टिल फोटो ठीक ठाक ही है, इतना भी खराब नहीं है, बट डार्कर एनवायरमेंट में खींचा गया है
नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया इंप्रूव कलर एक्यूरेसी व्हेन फोटोग्राफिंग व्हाइट वॉल्स इंडोर्स। तो गाइस यहाँ पे इंप्रूवमेंट एक्चुअली में दिख रही है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। बिफोर अपडेट यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलेगा। देखिए मैंने भाई को यहाँ पे खड़े करने को बोला, अगर आप लोग दोनों फोटोज को कंपेयर करोगे ना तो गाइस दोनों फोटोज में थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा देखने को मिलेगा। लाइक जो व्हाइट वॉल है ना एक्चुअली में ये थोड़ी सी क्रीम टाइप की है, लाइक पूरा व्हाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला फोटो आप लोग देखोगे थोड़ा सा लाइक उसमें चीज देखने को मिल जा रही है। उसी को चेक करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे पूरा व्हाइट वॉल थी ना बैकग्राउंड में, तो गाइस मैंने क्या किया बैग वाला फोटो यहाँ पे खींचा, नथिंग का जो बैग है उसके साइड में वॉल है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अच्छे से देखोगे दोनों फोटोज कंपेयर करके, तो गाइस जो सेकंड फोटो है ना वो बेटर देखने को मिल जा रही है। एक्चुअली में जो वॉल पे देखिए थोड़ा सा लाइक एक दो दाग देखने मिल रहे हैं, वो यहाँ पे कैप्चर भी हो रहा है, और वॉल का जो कलर है एक्चुअली में वो देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से व्हाइट भी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वेरी गुड, लाइक नथिंग यहाँ पे चीजें इंप्रूव कर रहा है। CMF को यहाँ पे कैमरा अपडेट्स दे रहा है, नथिंग फोन टू को भी दे सकते हो यार, देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया शार्पर आउटडोर फोटोज ऑफ ग्रास। तो गाइस ग्रास की फोटोज भी यहाँ पे मुझे कैप्चर करनी पड़ी, जैसे उन्होंने चेंज लॉग में मेंशन किया। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक फोटो देखने मिल जा रहा है एक प्लांट का, जिसमें यहाँ पे देखिए दोनों का अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना तो गाइस दोनों में देख थोड़ा सा हल्का सा बोल सकते हो कलर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सेकंड वाला फोटो एंड फर्स्ट वाला फोटो में इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्या बोल सकते हो ना 19-20 का फर्क पहले से जरूर यहाँ पे शार्पर इमेज दिख रही है। अगर आप लोग यहाँ पे जूम करके देखोगे ना दोनों फोटोज को हल्का हल्का, तो गाइस हाँ शार्प तो हुई है बेसिकली। तो मैंने फिर बाद में क्या किया दूसरा वाला फोटो खींचा यहाँ पे ग्रास का, तो दोनों को भी कंपेयर करके देख लेंगे। तो गाइस मुझे इतना हो जाए बिग डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हाँ शार्प तो हुई है एक्चुअली में। तो आप लोग को ये चीजें जूम जूम करके देखनी पड़ती है तभी पता चलता है। तो गाइस इतना ही था यहाँ पे कैमरा इंप्रूवमेंट। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया बग फिक्सेस। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया फिक्स एन इशू वेयर द होम स्क्रीन माइट बिकम अनरिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग व्हाट्सएप कॉल्स। तो गाइस मैंने क्या किया अपडेट जैसे आया था, दो दिन से मैं फोन यूज ही कर रहा हूँ और व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह भी यहाँ पे ट्राई करके देखा, मेरे साथ ये इशू देखने को नहीं मिल रहा था बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट तो ये फिक्स हो गया उन्होंने, उनका कहना है। अगर आपको ऐसा अगर इशू आया है CMF फोन 1 के साथ मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट यहां पे उन्होंने मेंशन किया रिजॉल्व ओकेजनल इश्यूज विद मिसटच प्रिवेंशन। तो गाइस आपको पता होगा मिसटच प्रिवेंशन जब भी आप ऑन होता है, जब आप लोग यहां पे नेविगेशन बार यहां पे हाइड करते हो जैसे मिनिमाइज वगैरह करते हो ना, तो गाइस ये कभी-कभी मिसटच प्रिवेंशन होता है ना, उसको अगर आप लोग इनेबल नहीं करोगे तो गाइस कभी-कभी आपके जो नेविगेशन बार है ना लाइक मिनिमाइज नहीं कर पाते हो। इसी चीज को यहां पे उन्होंने मेंशन किया दैट इंप्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट यहां पे मेंशन किया फिक्स एन इशू वेयर द 5G स्टैंड अलोन सेटिंग फॉर सिम कार्ड्स माइट नॉट वर्क इन सर्टेन सिचुएशंस। तो गाइस आप लोग के फोन में अगर आप लोग यहाँ पे एयरटेल यूज कर रहे हो या जियो यूज कर रहे हो, कभी कभी 5G स्टैंड अलोन वर्क करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, उस चीज को यहाँ पे उन्होंने फिक्स किया हुआ है। वैसे CMF के साथ मैंने बिफोर अपडेट यहाँ पे जियो यूज कर रहा था, तो गाइस 5G अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा था स्टैंड अलोन में भी। आपको अगर यहाँ पे नेट अगर आपको यहाँ पे इनेबल करना है तो सिंपल उसका ऑप्शन देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको स्टैंड अलोन का ऑप्शन। उन्होंने पहले यहाँ पे रखते थे ये लोग, पता नहीं क्यों निकाल दिया, रखना चाहिए था। बट आप लोग यहाँ पे स्मार्ट 5G को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो अगर आपको 5G लाइक स्टेबिलिटी चाहिए। स्मार्ट 5G ऑन कर लोगे ना तो गाइस ये क्या करता है 4G पे जानबूझ के यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, तो गाइस इसे डिसेबल जरूर कर देना। उसके अंदर लास्ट में उन्होंने मेंशन किया इनहांस ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी। तो गाइस फोन को मैं काफी टाइम से लाइक यूज कर रहा हूँ, तो गाइस ऐसा मुझे कहीं प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। आफ्टर अपडेट जैसे हम लोग यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल करते हैं ना थोड़ा सा लाइक जिटर्स देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा ही देखने को मिल जाते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट लेके आता है। बस यहाँ पे जो कैमरा ओपनिंग है ना इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा लाइक फिक्स कर देना, लाइक थोड़ा सा जल्दी ओपन करने की कोशिश करें, नहीं तो काफी टाइम लगता है। वैसे 15K का फोन है, वैसे ये 13,000 में मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से ठीक ही है, मतलब लाइक कैमरा ओपनिंग स्पीड एंड जैसे फोन का वर्किंग वगैरह ठीक ही चल रहा है। और रही बात यहाँ पे नथिंग OS भी मिल रहा है यार इस फोन में, और अपडेट्स यार बहुत ही मिल गए इस फोन को, अब देखते कितने और भी अपडेट्स मिलेंगे, जल्दी इसको एंड्रॉइड 15 भी मिल ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जो करना, शेयर जो करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू CMF Phone 1। तो गाइस मिलते हैं किसी स्टूडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। This the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood, I'm trying to dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in the rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet, just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle, she popped that. I'm off that, pull up.